हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लाइटनिंग स्ट्राइक की घटना वार्म और ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर वाले सीजन में ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वार्म टेम्परेचर में ही ऐसा क्यों होता है। वार्म टेम्परेचर में हवा में ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ऊँचाई पर उठने पर ये वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट, स्मॉल आइस क्रिस्टल और आइस पार्टिकल बनाती हैं और इसमें काफ़ी एनर्जी भी रिलीज होती है जो थंडर स्टॉर्म को बढ़ाती है। आइस पार्टिकल और क्रिस्टल के आपस में बार बार टकराने से चार्ज डेवलप होता है। एयर नॉर्मली इंसुलेटर का काम करती है, पर जब चार्ज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है तो एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो करता है। यही आकाशीय बिजली या लाइटनिंग होती है। नॉर्मली ये कुछ मिली सेकेंड के लिए होती है, पर इसका वोल्ट 10 करोड़ से 100 करोड़ वोल्ट तक हो सकता है। हमारे घर में डोमेस्टिक लाइट 220 वोल्ट की आती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। लाइटनिंग, जो एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क है, ये अपने आसपास की एयर का टेम्परेचर 18,000 से 60,000 फॉरेनहाइट तक बढ़ा देती है, जो कि सूरज के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, जिससे हवा तेज़ी से एक्सपेंड होती है और बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए बादल गरजने की आवाज़ बिजली चमकने से काफ़ी देर बाद सुनाई पड़ती है। लाइटनिंग की प्रोसेस इंट्रा क्लाउड यानी एक बादल के अंदर भी हो सकती है और दो बादल के टकराने पर भी हो सकती है, जिसको इंटर क्लाउड कहते हैं। कभी कभी ये लाइटनिंग क्लाउड टू ग्राउंड यानी जमीन तक भी जाती है। जो लाइटनिंग क्लाउड टू ग्राउंड होती है, इसी को लाइटनिंग स्ट्राइक और बिजली गिरना भी कहते हैं। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि अगर डायरेक्ट किसी पेड़, जानवर या इंसान पर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक की घटना हर साल हम न्यूज़ में सुनते हैं और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान भी होता है। अगर ये लाइटनिंग स्ट्राइक सीधे ज़मीन पर होता है तो ये सारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अर्थ में चला जाता है। ये थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग अर्थ के ग्लोबल इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा है और ये अर्थ और इसके एटमॉस्फेयर का चार्ज बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है। लाइटनिंग, जो यूजुअली निगेटिव चार्ज होती है, ये अर्थ को इसका निगेटिव चार्ज वापस करती है। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जब भी कभी आपको बाहर निकलना होता है और वेदर फोरकास्ट में ये बताया गया है कि थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग प्रोसेस हो सकता है, तो ऐसे में आपको बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। बिजली गिरने की घटना ज़्यादातर ऊंची बिल्डिंग, पहाड़, टॉवर आदि पर ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लाइटनिंग के सर्किट को आसानी से पूरा कर देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिजली ग्राउंड पर नहीं गिर सकती है। वो ग्राउंड पर भी गिर सकती है और ग्राउंड भी पूरी तरह सेफ नहीं होते हैं। इसीलिए काफ़ी घरों में, स्पेशली ऊंची बिल्डिंग और टावर में, मेटल रॉड लगी होती है जो कॉपर वायर से अर्थ से कनेक्टेड होती है। अगर बिजली गिरती है तो वो तेज़ी से तार द्वारा अर्थ में चली जाती है और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस तरह की मेटल रॉड को फ्रैंकलिन रॉड भी कहते हैं। जब भी मौसम ख़राब हो तो आप सेफ शेल्टर ढूंढें। घर, ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि सेफ होते हैं। अगर आप घर में हैं तो टैप वाटर का इस्तेमाल ना करें, जैसे शावर ना लें, बर्तन ना धोएं, नहाएं ना, क्योंकि कभी कभी बिजली जब घर पर गिरती है तो आपकी पाइपलाइन के सहारे वो आप तक पहुंच सकती है। अगर इस तरह का शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी कार में भी सेफ रह सकते हैं। आपकी कार छत वाली होनी चाहिए। अब खुली गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें।
अगर आप कार में हैं तो आपको कार का शीशा बंद रखना चाहिए। फराडे के नियम से करंट बाहरी सरफेस पर फ्लो करता है और अंदर आप सेफ रहते हैं। अगर मौसम खराब हो तो आप ऊंचाई की जगह जैसे पहाड़ इत्यादि को छोड़ दें, छत से भी घर के अंदर आ जाएं। समुद्र, तालाब, झील, स्विमिंग पूल, ऐसा कोई भी एरिया जो पानी के आसपास हो उसको भी छोड़ दें। पेड़ के ठीक नीचे ना खड़े हों, ये भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब बिजली चमकती है और बारिश होती है तो लोग भाग के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बिजली पेड़ पर गिरती है तो वो पेड़ के साथ उसके आसपास का एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेती है और इसलिए आप इनडायरेक्ट बिजली के चपेट में आ सकते हैं। अगर आप पानी के आसपास होते हैं या बिजली के तारों के आसपास होते हैं या घर की दीवार से लग के खड़े होते हैं तो इनके थ्रू जब बिजली नीचे आती है तो वो बहुत लंबा एरिया कवर कर सकती है, इसलिए आपको इन चीज़ों से दूर हट जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई शेल्टर नहीं है तो आप ज़मीन पर बैठ जाएं, अपने दोनों कानों को हाथों से कवर कर लें जिससे आपके कान के पर्दे को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, और सिर को अपने पैरों के बीच में करके बैठ जाएं जिससे आपके शरीर का कम से कम हिस्सा ज़मीन के कांटेक्ट में रहेगा। खड़े होने पर और दौड़ने पर बिजली गिरने का खतरा आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेटने पर अगर बिजली आपके आसपास गिरती है तो आप ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि आपके शरीर का ज़्यादा हिस्सा ज़मीन के कांटेक्ट में रहेगा। अगर आप कुछ लोगों के ग्रुप में हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठें, इससे भी बिजली गिरने का खतरा कम हो जाएगा। अगर आप एक दूसरे के आसपास बैठ जाते हैं तो भी बिजली गिरने का खतरा आपकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बिजली एक बार एक ही जगह पर गिरती है और अगर एक बार एक जगह पर गिर जाती है तो उसके बाद दोबारा उस जगह पर नहीं गिरती है। ऐसा नहीं है, बिजली कहीं भी गिर सकती है और कई बार एक ही जगह पर भी गिर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पर मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।